तो ये मेलेडियस सॉन्ग आप सभी के बीच आज कैसे बजाया जाता है हारमोनियम पर, और इस गाने में जो स्वर लगेंगे, कौन कौन से स्वर लगेंगे, कौन से स्वर शुद्ध लगेंगे, कौन से स्वर कोमल लगेंगे, सभी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पोस्ट को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ आप सभी को मैं बता दूँ कि आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए और जो बिगनर्स हैं उन सभी को बहुत ही सरल तरीके से हारमोनियम पर सदाबहार गाने सिखाए जाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। और साथ ही साथ आप अपने मनपसंद के कोई भी गाना अगर बजाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना गाना लिख करके भेज सकते हैं, ताकि हम उस गाने का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस गाने की ट्यूटोरियल को। तो ये गाना है राग भोपाली पर, और जैसा कि राग भोपाली का परिचय और राग भोपाली पर आधारित फिल्मी गाने मैंने पहले भी आप सभी के समक्ष शेयर करे हैं, तो राग भोपाली के अंदर सबसे पहले राग भोपाली के अंतर्गत 5 स्वरों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सा रे गा पा ध सा। मा और नी इस राग के अंतर्गत नहीं लगते, लेकिन इस गाने में नी स्वर का इस्तेमाल हुआ है विवादी स्वर के रूप में होता है। विवादी स्वर उस स्वर को कहते हैं जो मुख्य रूप से तो उस राग में नहीं लग रहा है, लेकिन गाने की जो डिमांड है उसमें गाने की डिमांड आ रही है उस स्वर में, तो कहीं कहीं उस स्वर को हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो उस गाने उस स्वर को हम कहते हैं विवादी स्वर, ठीक है। और इस गाने को हम गाएंगे ए शार्प को सा मान करके। अब तक की ज़्यादातर मैं आपको सी शार्प को सा मान करके बता रही थी, लेकिन सी शार्प को अगर हम सा मान करके इस गाने को गाते हैं तो ये गाना थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा ऊंचा है, तो आपको गाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको ए शार्प को सा मान करके गाएंगे। मंद सप्तक में ये गाना आपका पहुंचेगा धा तक, और तार सप्तक की अगर बात की जाए तो ये गाना आपका जाएगा तार सप्तक के गा तक। तो ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं इस गाने को। भोपाली के स्वर एक बार हम बजा करके देख लेते हैं कौन से होते हैं। ए शार्प को हमने सा माना है, और जब हम ए शार्प को सा मानते हैं तो सरगम कैसे चलता है, मा और नी इसमें नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 स्वर लगेंगे, सा रे गा पा ध सा। तो देख लीजिए एक बार, ये आपका सा है, फिर रे गा पा ध सा, ठीक है। तो एक बार का के भी देख लेते हैं, सा रे गा सा। अब हमें देखना है कि इस गाने में जो यूज होगा आपका तार सप्तक के गा स्वर तक पहुंचेगा और मंद सप्तक के धा तक आएगा, तो सीरीज जो बनेगी इस गाने में लगने वाले स्वरों की कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, सा रे गा पा करे और तार सप्तक का गा, गा मंद सप्तक में भी नी आपका यूज होगा, और फिर धा। तो पहले एक अलाप आता है, पहले कुछ इस प्रकार से है, देखिए।
लेकिन इसके बाद एक म्यूजिक पार्ट आता है कुछ इस प्रकार से। ट्यूटोरियल
अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड फॉलो करें, और अपना मनपसंद कोई भी गीत और किसी भी गीत का कोई राग पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल के SS भारतीय संगीत में हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी आते हो एक नई पोस्ट के साथ, तब तक के लिए इस गाने की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें।